नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है किशोर और आप लाइव हो हमारे चैनल पे यानी किशोर कुमार बैनर्जी पे। इस चैनल में हम न्यूज़, ट्रैवल वीडियोस और ड्रामास रेगुलर बेसिस पे लाते हैं। जैसा आपको पता ही है कि इस चैनल में हम थ्रेट कॉल्स को एक्सपोज करते हैं, और मेरा जो पिछला एपिसोड था थ्रेट कॉल पे, वो बिहार का एक केस था, एपिसोड 4 था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करें और वो वीडियो देख सकते हो। तो कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे रहा था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी नाजुक थी, तो कुछ दिनों बाद आया हूँ। तो कुछ फ्रॉड डेटा एंट्री के बारे में ही बात करने वाला हूँ आज, कि ये थ्रेट मेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। ये फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये थ्रेट मेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो किस स्टेज में आता है। ये जो फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स का प्रोसीड्यूर है, इसको मैंने 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। तो ये कौन से स्टेज में आता है ये आप देख पाओगे, आप समझ पाओगे। और चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और ये जो थ्रेट मेल्स हैं ये क्या होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि अगर आप नए हो चैनल पे और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे नेक्स्ट वीडियोस की। तो चलिए आगे ये स्टेजेस समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आ जाता है स्टेज 1, जिसे हम कह रहे हैं द सर्च। अब द सर्च का मतलब क्या है कि ये जो फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स है ये हमें किस किस प्लेटफॉर्म के थ्रू देखने को मिलता है। अब 60-70% ऐसे जो फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स है ये हमें देखने को मिलता है ऑनलाइन मीडियम में, और 30% हमें देखने को मिलता है ऑफलाइन मीडियम में। अब ये ऑनलाइन और ऑफलाइन होता क्या है? अब ऑनलाइन मीन्स हम इसे कहते हैं कि जैसे कि जॉब पोर्टल्स होता है, naukri.com या indeed.com, या फिर जैसे कि प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट्स जैसे कि लिंक्डइन, ये सारे जो जगह है यहाँ पे हमें जॉब एड्स देखने को मिलता है। ऐसे डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में हमें देखने को मिलता है, हम सर्च करने पे हमें वो दिखता है। तो अब आप कहोगे कि क्या ये नौकरी या इंडीड या फिर लिंक्डइन ये फ्रॉड है? ये फ्रॉड है नहीं, ये जो है यहाँ ये जो जॉब पोर्टल्स बनाए गए थे, ये बनाए गए इसीलिए है कि आप जेन्युइन जॉब सर्च कर पाओ। मगर ये जो फ्रॉड डेटा एंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के फ्रॉड आदमी लोग हैं, ये लोग यहाँ पे आके जॉब एड पोस्ट कर देते हैं और कैंडिडेट्स को पता नहीं रहता है तो वो वहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब बात करता हूँ ऑफलाइन मोड के बारे में। जो ऑफलाइन मोड है वो ज़्यादातर ही आपको कॉलेज जो होते हैं, कॉलेज के जो वॉल्स है वहाँ के होर्डिंग्स में आपको दिखेगा, स्टिकर्स दिखेगा। फिर ट्रेन्स में हमको ऐसे स्टिकर्स दिखते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, अर्न मनी फ्रॉम होम, कुछ इस तरीके के स्टिकर्स दिखते हैं और नंबर्स दिया रहता है, उसके थ्रू भी हम कभी कभी अप्लाई करते हैं। तो ये है द सर्च, जो स्टेज 1 हम कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसे ही हम ये जो सर्च का क्राइटेरिया है ये हम फुलफिल कर लेते हैं, हमें पता चल जाता है कि कहाँ डेटा एंट्री के जॉब्स मिलते हैं, तो उसी के बाद आ जाता है स्टेज 2। और स्टेज 2 है द रजिस्ट्रेशन। यहाँ क्या होता है कि हमें जो डेटा एंट्री, फ्रॉड डेटा एंट्री के ऑर्गेनाइजेशंस है उनके थ्रू URL मिलता है, और वो URL रहता है लॉगिन पैनल उनका, जहाँ पे हमें यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करना पड़ता है और हमारा जो अकाउंट है वो बन जाता है उनके ऑर्गेनाइजेशन के वहाँ। हालांकि हमें ये पता नहीं होता कि जो यूज़र नेम और पासवर्ड आप बनाते हो, और जब पहली बार आप रजिस्टर करते हो तभी एक कोड जेनरेट हो जाता है ऑपोजिट एंड पे जो एक्टिवेटेड रहता है, और उसी समय पर आपको उसके बाद वर्क दिया जाता है जो आपको एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में फुलफिल करना पड़ता है, कंप्लीट करना पड़ता है। अब दोस्तों आ जाता है स्टेज 3, जिसे हम कह रहे हैं वर्क कंप्लीशन। अब यूजर नेम और पासवर्ड मिलने के बाद हमें वो पैनल मिल जाता है जहाँ पे हमें फॉर्म फिलअप्स, फिर वेरियस डेटा एंट्री के जॉब्स के जो फॉर्म्स है एक्सेट्रा है, वो सारे जो रॉ मटेरियल है वो हमें मिलना चालू हो जाता है, और वहाँ हम सारे जो एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में हमें वो कंप्लीट करने को बताया जाता है और वो हम सबमिट करते हैं। अब जैसा कि आप देख पा रहे थे कि ये जो सारा स्टेजेस है, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, धीरे धीरे हम ग्रीन से ऑरेंज की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये फ्रॉड है,
फ्रॉड डेटा एंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए यह धीरे धीरे ग्रीन से रेड की तरफ जाएगा और आप समझ पाओगे कि किस तरीके से हम फंसते जाएंगे इस फ्रॉड डेटा एंट्री के चक्कर। तो दोस्तों, स्टेज 3 यानी वर्क कंप्लीशन करने के बाद ही आ जाता है स्टेज 4, जो कि है थ्रेट मेल्स एंड कॉल्स, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे सबसे पहले। तो यहाँ क्या होता है, जब आप वर्क सबमिट करते हो तो उसके बाद आप यूज़र नेम और आपका जो पासवर्ड रहता है उसके थ्रू जो कोड जनरेट होता है ऑपोजिट एंड पे, जो आपको दिखता नहीं, वो एक्टिवेट रहता है। अब तक वर्क कंप्लीट होने के साथ ही साथ उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है ताकि आपको आपका जो काम है वो दिखे नहीं, आपको वो आपका एविडेंस बने नहीं, इसी कारण से उसे बंद कर दिया जाता है। और आप फिर वो यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके अपना जो पैनल है, जो पैनल आपको दिया गया था, उसे एक्सेस नहीं कर पाते हो, एरर आते रहता है। अब जो बात कर रहा था कि थ्रेट मेल्स एंड कॉल्स, तो उसके बाद ही आ जाता है थ्रेट मेल। मैं ऐसा ही एक थ्रेट मेल आपके लिए पढ़ूंगा, तो आगे बढ़ते हैं और थ्रेट मेल पढ़ते हैं। तो ये थ्रेट मेल जो है, ये मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजा था देखने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि क्या लिखा रहता है, क्या ये ठीक है नहीं है इसके बारे में। तो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी हैड फाउंड दैट यू हैव नॉट कम्प्लीटेड योर वर्क, मगर उन्होंने पूरा ही वर्क कंप्लीट करके वर्क सबमिट किया था, स्टेज 3 पूरा कंप्लीट किया था। अब एंड मैनी फॉर्म्स आर एम्प्टी, जो वो फिर दिखा नहीं पाएगा क्योंकि यूज़र एक्सेस और जो पैनल है उसे बंद कर दिया जाता है। So we can give you an extension period if you pay an agreement amount and extension amount today itself. Right now you have to complete your work as per agreement you have to pay your agreement amount and extension amount. आपसे extension amount मांगा जा रहा है, फिर आपको वो काम submit करने के लिए कहा जाएगा, मगर फिर आप वो काम submit करोगे, उसके बाद फिर से यही चीज़ वो loop पे चलाते रहेंगे, यही उनका procedure है। तो यहाँ लिखा गया कि so pay today and get extension of 5 to 7 days, मतलब वही काम जो वो कर रहा था वो सबमिट करने के बाद उसमें दिखाया गया कि उसने सबमिट किया तो बहुत सारे फॉर्म्स एम्प्टी है और अगर ये काम फिर से करना है तो आपको एक पेमेंट देना पड़ेगा, फिर आप पेमेंट दो, फिर आपसे यही चीज़ दोबारा कर करके आपसे पैसे दबोचे जाएंगे। तो यहाँ पे फिर बताया गया कि सो दैट यू विल गेट योर सैलरी एंड योर हार्ड वर्क विल नॉट बी वेस्टेड, फॉर फर्दर कंसर्न काइंडली कॉल। सो अमाउंट बताया जा रहा है 9500 यहाँ पे। तो कुछ इस तरीके का रहता है, ये इसे कहते हैं थ्रेट मेल। आप जैसा कि देख पा रहे थे, कॉपी भी मैंने आपको दे दिया है साइड में। तो ये होता है थ्रेट मेल, और थ्रेट मेल आप जब अनदेखा करते हो या कुछ इस तरीके का करते हो तो उसके बाद ही आ जाता है थ्रेट कॉल। थ्रेट कॉल्स का, जैसे आपको पता है कि मैं थ्रेट कॉल्स एक्सपोज करता हूँ रेगुलरली आप सबके लिए, ताकि आप सब समझ सको कि थ्रेट कॉल्स में होता क्या है। ये सारी चीज़ें इनवैलिड है बेसिकली, तो ये थ्रेट कॉल्स आपको इसीलिए सुनाता हूँ या एक्सपोज करता हूँ ताकि किस तरीके से इसे टैकल किया जाए। कैंडिडेट्स जो होते हैं ज़्यादातर वो ऐसे ही थ्रेट कॉल्स में सुनाया करता हूँ जहाँ पे कैंडिडेट्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से टैकल किया हो चीज़ को। तो वो थ्रेट कॉल्स आप अवश्य सुनिएगा क्योंकि उससे आपको हिम्मत मिलेगा कि किस तरीके से इन चीज़ों से टैकल किया जा सकता है। अब दोस्तों आता है स्टेज 5 यानी थ्रेट वाया कोड। अब थ्रेट वाया कोड यानी ये इम्पोर्टेंट स्टेज है और बहुत सारे जो कमेंट्स आते हैं मुझे सब्सक्राइबर के थ्रू इसी बेसिस पे आते हैं कि सर मुझे कोर्ट नोटिस पेपर आ रहा है और क्या ये मेरे कैरियर को अफेक्ट करेगा, क्या मुझे इतना सारा पेमेंट देना पड़ेगा। तो ये जो है, जो थ्रेड वाया कोर्ट है, ये इनका एक ट्रैप है जहाँ वो कोर्ट पेपर लेते हैं और वहाँ पे कुछ भी बिठा देते हैं और जो स्टैम्प रहता है एडवोकेट का वो 100% जेन्युइनली फेक एडवोकेट्स के रहते हैं और पूरा ही फेक एक चीज़ बना के, लीगल डॉक्यूमेंट बना के वो आप तक पहुंचा देते हैं ताकि आपको ये जो डर का माहौल है इसे और बड़ा कर पाए। और यही उनका मेन मोटो रहता है कि किस तरीके से डर आपके दिल के भीतर डर बैठा पाए, ये फ्रॉड डेटा एंट्री का चक्कर दिखा के आपके मन में वो डर बैठा पाए और आपसे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट हड़प पाए ये लोग।
ये लोग लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अब दोस्तों आ जाता है आखिरी स्टेज यानी स्टेज 6, जिसे हम कह रहे हैं विन और लूज। ये ऑर्गेनाइजेशन की ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो फ्रॉड डेटा एंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनके एंड के थ्रू है। यानी अगर हम समझे कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्रॉड डेटा एंट्री, उनका विन सिनेरियो तभी होगा जब ये जो प्रोसीड्यूर्स है इनमें कहीं ना कहीं आप घबरा जाओगे और अपना पेमेंट जो है, जो वो कह रहे हैं वो दे दोगे। तब क्या होगा कि वो उनके लिए ये विन विन सिनेरियो बन जाएगा। ये जो टोटल ट्रैप उन्होंने बनाया था, इसमें कुछ भी वैलिड नहीं है, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो लॉ के साथ है। सारे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स है वो भी इनवैलिड है, मगर जो ट्रैप उन्होंने बनाया था डराने के लिए, उसमें अगर वो जो कैंडिडेट है वो डर जाता है तो ये उनके लिए विन विन सिनेरियो हो जाता है, उन्हें पेमेंट मिल जाता है, वो इसी तरीके से इस जाल को बड़ा करते रहते हैं। और दूसरे तरफ अगर मैं कहूँ तो है लूज। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कैंडिडेट है वो बहुत ही शातिर तरीके से थ्रेट कॉल्स को टैकल करता है, वो नोटिस पेपर को भी हैंडल करता है। नोटिस पेपर की कोई वैलिडिटी तो है नहीं, तो जो थ्रेट कॉल्स आते रहेंगे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से वो मैनेज कर पाता है। मेल्स, जो थ्रेट मेल्स है, उसके रिस्पॉन्स बहुत ही सटीक तरीके से और न घबराते हुए देता है और पेमेंट भी नहीं करता है। तो क्या होता है, जो ये ट्रैप जो फ्रॉड डेटा एंट्री ऑर्गेनाइजेशंस ने बिछाया था वो हो जाता है फ्लॉप और यहाँ पे हो जाता है उनका लॉस, यानी वो हार जाते हैं। तो दोस्तों ये स्टेज 1 से स्टेज 6 को अगर टोटल मिलाया जाए और पूरा चीज़ आपको एक साथ बताया जाए तो आपको ये कहूँगा कि ये जो टोटल प्रोसीड्यूर है इसमें आप इनिशियल स्टेज में ही थोड़ा बहुत बचे हुए रहते हो। जब भी आप लॉग इन कर लेते हो और यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो, तब जैसा कि आपको मैंने बताया कि एक कोड क्रिएट कर लेते हैं वो लोग, तो उस कोड के बेसिस पे आपका वो अकाउंट डीएक्टिवेट कर देते हैं। आपका काम, वो जो आप काम करते हो उस काम का वैसे कोई बेसिस है नहीं, वो काम किसी काम के आएगा नहीं, तो इसी कारण से वो क्या करते हैं, उस काम को छिपा देते हैं, कोड को डीएक्टिवेट कर देते हैं, ताकि आप उल्टे साइड से जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको दिया जाता है उसके थ्रू जब आप नेक्स्ट घुसते हो तो आपको एरर कोड दिखाया जाता है, आप अपना काम देख नहीं पाते कि हाँ, आप बताना चाहते हो उनको कि हाँ मैंने ये सारे काम किए हुए हैं, मगर आप एरर के चक्कर पे आप दिखा नहीं पाते उनको कि मैंने ये काम किया है या नहीं। तो ये उनका एक ट्रैप रहता है और उसके बाद वो शुरू कर देते हैं डर फैलाने का सिलसिला। तो मगर अगर मैं कहूँ तो ये सारे जो चीज़ें हैं लाइन बाय लाइन, जो डर का माहौल वो क्रिएट करते हैं, एवरीथिंग, एवरी रॉ इक्विपमेंट जो वो दिखाते हैं आपको, जो लीगल डॉक्यूमेंट से लेके सब कुछ दिखाते हैं, जितना डॉक्यूमेंट दिखा वो सारे ही इनवैलिड है, उनका कोई मतलब नहीं है, कोई मोल नहीं है, उनके कंपनी इवन रजिस्टर्ड भी नहीं हुआ करते हैं, उनका जो कंपनी है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड भी नहीं रहता है, तो टोटल फेक कारोबार चला रहे हैं। आपसे बस यही गुजारिश रहेगी कि ऐसे चीज़ों से आप बच के रहिए, कि आप चेक कीजिए एक के बाद एक। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते रहूँगा कि किस तरीके से हम जॉब्स के बारे में सर्च कर सकते हैं। डेटा एंट्री जॉब्स वैसे मिलना बहुत ही मुश्किल है, डेटा एंट्री जॉब्स के नाम पे सिर्फ फ्रॉड ही चल रहा है इंडिया में, तो बहुत ही ज़्यादा बच के रहिएगा। और साथ ही कहूँगा कि नीचे दिया हुआ है मेरे फेसबुक पेज का नाम किशोर के YouTube वीडियोस, तो आप वहाँ आके मैसेज कर सकते हो मुझे, मैं आपके जितने भी सवाल रहेंगे मैं उनके रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यहीं पे करूँगा एंड, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि आपको ऐसे फ्रॉड डेटा एंट्री जॉब्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। आज के लिए किशोर की तरफ से टाटा।